हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ICSE क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है टोपो शीट्स के बारे में। सो टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं फ्रॉम A to Z। सो इस एक वीडियो को देखने के बाद आप टोपोग्राफिकल मैप्स को बहुत ही आसानी के साथ इंटरप्रेट कर पाओगे और ये अच्छे से समझ पाओगे कि टोपोग्राफिकल मैप्स एक्चुअल में क्या होते हैं और उनको समझा कैसे जाता है। सो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अगर एक मैप की, तो मैप क्या होता है। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ रियल वर्ल्ड, मतलब आप रियल वर्ल्ड की एक ड्राइंग बना लेते हो कागज पे, वही क्या हो जाती है मैप। और ये ड्राइंग एक्चुअली नहीं होती, काफ़ी सारे उसमें मेजरमेंट्स किए जाते हैं। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड पे अगर कोई ज़मीन इतनी बड़ी है तो उसको हम स्केल करके मैप पे ड्रॉ कर देते हैं छोटे से फॉर्म में। तो ये तो हो जाता है मैप। अब टोपोग्राफिकल मैप्स, इसके बारे में आप इस साल पहली बार पढ़ रहे हो IAS। सो टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं, समझना ध्यान से। जब हम एक मैप बनाते हैं तो मैप हम बात कर रहे होते हैं किसी बड़े एरिया की। जैसे कि मान लो आपने पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया, यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। मान लो आपने और थोड़े कम बड़े एरिया का मैप बनाया, यानी कि आपने इंडिया का मैप बनाया, जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। आप इवन एक स्टेट का मैप भी बना सकते हो, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का भी मैप बनाना पॉसिबल है। लेकिन जब आप उससे भी ज़्यादा नीचे लेवल पे जाते हो, मतलब आप एक जब शहर का मैप बनाते हो या शहर के भी एक छोटे से रीजन का मैप बनाते हो, तब हम आ जाते हैं और ज़्यादा डिटेल्ड मैप्स पे, जिनको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। इन मैप्स की एक खासियत होती है दैट इन मैप्स में और ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप की एक खासियत आप याद रखना दैट ये एक बहुत ही छोटे से एरिया का मैप होता है। सो इट इज़ अ वेरी लार्ज स्केल मैप एंड इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स दिखाई देंगे जो कि आपको एक जनरल मैप में नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरल मैप में आपको कभी कोई कुआं नहीं दिखाया जाएगा, या फिर अगर बहुत छोटी स्ट्रीम है तो उसको आप मैप पे नहीं दर्शाते हो, या फिर अगर आपका कहीं कोई पेड़ है तो वो आप एक मैप पे नहीं दर्शाओगे। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा टोपोग्राफिकल मैप पे। टोपोग्राफिकल मैप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैप होता है एंड अकॉर्डिंगली ये बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, मतलब बहुत ही छोटे से एरिया का होगा। जैसे मान लो आपके घर से लेके 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर एरिया आप मान लो, उतने एरिया का ही बस ये आपका मैप होगा। सो ये बहुत ही डिटेल्ड मैप्स होते हैं। सो इनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं इस साल। व्हाट आर टोपोग्राफिकल मैप्स, इसमें जो अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, कैसे समझा जाता है, और कैसे इसको देख के हम उस एरिया के बारे में, उस रीजन के बारे में बहुत सारी बातें इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हमें यहाँ पे एक एक करके सीखनी है। सो जो इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप्स हैं उनको बनाने के लिए क्या किया गया है, इंडिया को कुछ मेजर पोर्शंस में इस तरह नंबर्ड फॉर्म में बांट दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 39 से स्टार्टिंग लेके ये इंडिया के बाहर का रीजन हो गया। सो यहाँ से लेके ये आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, इस तरह नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया को हमने अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, इस चीज़ पे ध्यान देना। आपको पढ़ना है ये वाला पोर्शन, पोर्शन नंबर 45। सो पोर्शन नंबर 45 यानी कि जो गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, इस जगह के मैप्स के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को फर्दर डिवाइड किया जाता है। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, जैसे मान लो आपने लिया 45, तो इस स्क्वायर को फर्दर डिवाइड किया जाता है इन दीज मेनी लेटर्स। मतलब ये एक 45 डिवाइडेड होगा ABCDEFGHIJKLMNOP, यानी कि ये 16 बॉक्सेस में और फर्दर डिवाइड किया जाता है। मतलब ये एक बड़ा बॉक्स 16 बॉक्सेस में और डिवाइड होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब जब ये ABCD डिवाइड हुआ है, ये फर्दर और डिवाइड किया जाता है और छोटे छोटे नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 बॉक्सेस में। मतलब सोच के देखो, पूरे इंडिया को हमने नंबर्स में डिवाइड किया, उसके बाद इस एक बॉक्स में हम ABCD के फॉर्म में 16 बॉक्सेस बनाएंगे। उसके बाद हर एक लेटर के लिए, हर एक जैसे मान लो ए के लिए या फिर बी के लिए या फिर सी के लिए, हर एक लेटर को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं नंबर्स में। तो सोच के देखो कितना छोटा होता जाता है ये बॉक्स। सो यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस के बारे में पढ़ना है, मतलब आपको जिस एरिया के मैप्स के बारे में पढ़ना है, वो दो मैप्स होंगे, जो कि पहला होगा 45 यानी कि इस बॉक्स का, इसके अंदर जो डी लेटर होगा यानी कि ये वाला, और इस डी के अंदर भी आपको पढ़ना है 7 नंबर वाला बॉक्स 45D7। एंड एक और नक्शा आपको पढ़ना है 45D10, यानी कि D7 और D10, ये दोनों मैप्स आपके कोर्स में हैं, ठीक है। आई होप आइडिया लग गया होगा आपको किस एरिया के मैप्स पढ़ने हैं। लगभग इस एरिया के दो नक्शे आपको पढ़ने हैं,
45D7 एंड 45D10, यही दोनों आपके कोर्स में है और ICSE क्लास 10th में जनरली यही दोनों ही दिए जाते हैं, इसके बाहर के मैप्स नहीं आते हैं। यहाँ पे जो आपका 45D7 है, ये रहा 45D7 और ये आपको दिख रहा होगा दैट ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये गुजरात एरिया में है और जस्ट इसी से बॉर्डर जो टच कर रहा है इसका राजस्थान से 45D10, ये आपको 45D10 ये आपका एरिया हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। सो ये दो मैप्स हैं, एक तो राजस्थान का ये वाला और एक गुजरात का ये वाला, यही दो नक्शे हैं। पूरा पूरा मैप एक बार में नहीं दिया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर उसका पोर्शन मैप का दे दिया जाता है एंड वही आपको स्टडी करना होता है एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कोर्स में टोपोग्राफिकल मैप से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ सीखनी है। तो पहली चीज़ तो हमको सीखनी है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना। सेकेंड चीज़ हमको सीखनी है यहाँ पे कॉन्टूर एंड कॉन्टूर इंटरवल्स क्या होते हैं और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे लैंडफॉर्म्स को प्रेडिक्ट करेंगे कि वहाँ पे किस तरह के लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हैं, पहाड़ प्रेजेंट हैं या फिर और क्या प्रेजेंट है वहाँ पे। इसके बाद थर्ड चीज़ हम बात करेंगे कलर्स एंड सिम्बल्स की, कि किस तरह के कलर्स यूज़ किए जाते हैं मैप्स में एंड सिम्बल्स वगैरह की। फिर इसके बाद फोर्थ, फिर हम बात करेंगे स्केल की, कि स्केल क्या होता है मैप में। उसके बाद फिफ्थ नंबर इज डायरेक्ट डिस्टेंस एंड एरिया। सो इस बार इनडायरेक्ट डिस्टेंस आपको नहीं बताना होगा, सिर्फ आपके डायरेक्ट डिस्टेंसेज हैं, मतलब स्केल रखे हम सीधे सीधे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उन वाले डिस्टेंस को हमें पढ़ना है एंड एरिया भी निकालना हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर डायरेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है एंड नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स क्या होते हैं, इन सब की हम बात करेंगे एक एक करके। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल कैसे बताया जाएगा कि वहाँ के लोग क्या काम करते होंगे, जिस एरिया का मैप देख रहे हो वहाँ के लोग कैसा काम करते होंगे ये हम मैप देख के कैसे बताएंगे। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ का क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ का क्या है और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। सो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होता है, देखो ग्रिड रेफरेंस आपको जब मैप आप देखोगे टोपोग्राफिकल मैप तो उसमें आपको दिखाई देगा दैट वहां पे वो मैप ग्रिड्स में डिवाइड होता है, एक आपकी वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉन होती हैं और एक आपकी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन होती हैं कुछ इस तरह। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह बनी होती हैं मैप पे पूरे रेड कलर में और एक इस तरह आपकी वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। अब ये जो वर्टिकल वाली लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं ईस्टिंग्स, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइंस होंगी इनकी नंबरिंग होती है नंबर वाइज, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती हैं और इन्हीं को हम ईस्टिंग्स बोलते हैं बिकॉज ये ईस्ट को फॉलो कर रही हैं, ईस्ट की तरफ इंक्रीज कर रही हैं। फिर जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं इस तरह ये वाली, इनको हम बोलते हैं नॉर्दिंग्स और ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। तो ये नॉर्दिंग्स हो गई जो नंबर से यहाँ पड़े हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यानी कि ये लाइन ये लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनकी नंबरिंग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और इनको बोला जाता है नॉर्दिंग्स। फिर जो ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं ये क्या है, ये ईस्टिंग्स हैं, इनकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। सो इन्हीं दो के मदद से हम यहाँ पे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताते हैं। अब कैसे बताते हैं ध्यान देना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपका एक मैप है और इस मैप पे ये छोटा सा आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा और इस पेड़ का अगर हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पेड़ है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किन दो ईस्टिंग्स के बीच लाई कर रहा है। सो यहाँ पे ईस्टिंग्स कौन कौन सी हैं, देखियो पेड़ जो है पेड़ आपका इस वाली ईस्टिंग और इस वाली ईस्टिंग के बीच में है, ये दोनों ईस्टिंग है कौन सी, 19 एंड 20। तो हमेशा याद रखना जब भी आप ईस्टिंग देखोगे जिन दो ईस्टिंग्स के बीच में आपका वो ऑब्जेक्ट लाई करेगा हमेशा उसमें से कम वाली ईस्टिंग हम लेते हैं। सो यहाँ पे ईस्टिंग कौन सी आ जाएगी, ईस्टिंग आ जाएगी 19। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये किन दो नॉर्दिंग्स के बीच लाई कर रहा है। सो यहाँ पे नॉर्दिंग्स की बात करें तो एक तो ये नॉर्दिंग है और दूसरी ये वाली नॉर्दिंग है। सो नॉर्दिंग 43 एंड 44, इसमें से भी हम कम वाली ही नॉर्दिंग लेंगे। सो कम वाली नॉर्दिंग कौन सी है, 43। सो नॉर्दिंग में हम लिख देंगे 43। सो 1943 इसका हो जाएगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस बेसिकली हेल्प क्या करते हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ा अगर आपके सामने एक मैप हो तो उस बड़े से मैप में हम कैसे फाइंड करेंगे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको एक ग्रिड रेफरेंस बता दिया जाता है जहां पे पहले दो नंबर क्या बताते हैं उस चीज का ईस्टिंग एंड लास्ट के दो नंबर क्या बताते हैं नॉर्दिंग। सो दीज टू डिजिट्स रिप्रेजेंट द ईस्टिंग एंड जो बाद के ये वाले नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्दिंग। तो बस यही होता है आपका किसी भी जगह का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह निकाला जाता है। अभी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकाल के देखते हैं। सो ये है मैप और इसमें हमें कुछ जगहों का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है। चलो दो मैं निकाल के बताता हूँ, बाकी आप लोग अपने आप से निकालना। फर्स्ट देखते हैं,
हमें बताना है टू सेटलमेंट्स हैविंग अ पोस्ट ऑफिस और इसका हमको फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है। सो यहाँ पे देख लो कौन से आपको ऐसे दो सेटलमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस है। सो पोस्ट ऑफिस के लिए क्या होता है, कभी कभी आपका PO लिखा होता है एंड कभी कभी आपका इस तरह का लाल कलर का सिंबल भी बना होता है, इस तरह पोस्ट बॉक्स की जैसा। सो यहाँ पे हमको देखना है कौन से दो सेटलमेंट्स में ये पोस्ट बॉक्स बना हुआ है। तो एक तो इस वाले में है और दूसरा आपका पोस्ट बॉक्स यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे जूम करके तो यहाँ पे आपको सब दिखाई दे जाएगा, राइट। चलो अभी हमें इन दोनों सेटलमेंट्स का फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। पहले हम बताते हैं मालगांव का। सो पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा मालगांव, इसका फोर फिगर देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ पे पहले देख लो किन दो ईस्टिंग्स के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 61 एंड 62 के बीच, इन दो ईस्टिंग्स के बीच में। सो इसका ईस्टिंग नंबर हो जाएगा 61, कम वाला लेते हैं। फिर उसके बाद देख लो कौन से ये दो नॉर्दिंग्स के बीच लाया कर रहा है, नॉर्दिंग भी सामने लिखी हुई है, नॉर्दिंग इधर भी लिखी होती है और लेफ्ट में भी लिखी होती है। सो यहाँ पे ये 31 एंड 32 के बीच आ रहा है, सो यहाँ पे हम कम वाला लेंगे यानी कि 31। सो 6131 ये हो जाएगा इस जगह का फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले का, पामेरा का। पामेरा का हम फोर फिगर निकाल लेते हैं, अगेन वही सेम काम करेंगे यहाँ के लिए। पहले हम देखेंगे कौन सी दो ईस्टिंग्स के बीच ही आ रहा है, यानी कि 62 एंड 63 के बीच में लाई कर रहा है, तो कम वाली लेंगे 62, तो ये हो जाएगा 62। एंड उसके बाद हम देखेंगे किन दो नॉर्दिंग्स के बीच में ये आ रहा है। सो नॉर्दिंग्स कौन सी हैं, 33 एंड 34, सामने भी लिखी है, यहाँ भी देख सकते हो 33 एंड 34, तो इसमें से भी कम वाली हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 33। आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद सेकंड वाला आप लोग अपने आप से कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आप लोग देखना किस सेटलमेंट में डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के लिए प्लस साइन होता है या फिर लिखा होता है डिस्पेंसरी, तो उस सेटलमेंट का आपको यहाँ पे बताना है फोर फिगर। एक मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे सी वाला है द साइफन। अब पूरे मैप पे आपको देखना होगा साइफन कहाँ पे है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको साइफन यहाँ पे लिखा दिखाई देगा, ये है हमारा साइफन। तो इसका हमको बताना है फोर फिगर का डिफरेंस, कैसे बताएंगे देखो। साइफन को देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, किन दो ईस्टिंग्स के बीच में है, ये है इन दोनों ईस्टिंग्स के बीच में, जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, तो नीचे देख लो इनका नंबर क्या है, 62 एंड 63, तो कम वाला लेंगे यानी कि 62, तो 62 वाली ईस्टिंग के आगे ये है, इन दोनों के बीच में है, तो 62 वाला ले लो, तो साइफन का ईस्टिंग नंबर हो जाएगा 62। फिर देख लो ये किन दो नॉर्दिंग्स के बीच में आ रहा है, तो नॉर्दिंग्स आपकी ये दोनों है यानी 31 एंड 32, इन दोनों के बीच में है नॉर्दिंग्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 31 कम वाली लेंगे, तो ये हो जाएगा 31। सो 6231 ये हो जाएगा फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द साइफन। आई होप समझ में आ गया हो गए, अब बाकी के आप लोग निकाल के देखना और चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं भी और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्टूर लाइंस क्या होती है पहले चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो कॉन्टूर वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्टूर वर्ड बेसिकली मीन्स कहीं पे उतार चढ़ाव जो होते हैं उनको हम कॉन्टूर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ज़मीन पे भी ऐसा नहीं होता कि जो पूरी ज़मीन है अर्थ की वो सपाट है, फ्लैट है, कहीं कहीं पे ये ज़मीन ऊंची होती है, कहीं कहीं पे ज़मीन नीची होती है, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं आपकी नदी आ जाती है वहाँ पे ये गहरी हो जाती है, या फिर कहीं पहाड़ आ जाते हैं वहाँ पे आपकी ज़मीन ऊंची भी हो जाती है। सो इसको मैप पे कैसे शो करते हैं, मैप पे यही चीज़ जो उतार चढ़ाव है इनको शो करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस बेसिकली क्या होती हैं पढ़ते हैं। कॉन्टूर लाइंस ये एक ऐसी लाइन होती है ऑन अ मैप, एन इमेजिनरी लाइन। पहली चीज़ तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल धरती पे नहीं होती हैं, ये इंसानों ने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। ये क्या करती हैं, दे जॉइन ऑन द लैंड सरफेस ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम एलिवेशन अबव अ प्लेन, यूजली मीन्स सी लेवल। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स अबव सी लेवल सेम हाइट पे होंगे ये लाइंस उन पूरे पॉइंट्स को जॉइन करती हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई ज़मीन का हिस्सा है जो सी लेवल से एक हाइट पे 100 मीटर हाइट पे सपोज है, फिर हम एक और पॉइंट लेंगे जो कि सेम सी लेवल से 100 मीटर हाइट पे है, हम क्या करेंगे उनको जॉइन कर देंगे। तो जो लाइन उन दो पॉइंट्स को जॉइन करेगी उसी को हम बोलते हैं कॉन्टूर लाइन। मतलब कॉन्टूर लाइन जहाँ जहाँ से होके गुजरेगी वो सारी आपके जगह 100 मीटर्स हाइट पे ही होंगी। या फिर सेकेंड कॉन्टूर लाइन आप जब बनाओगे, मान लो आपने 200 मीटर्स वाली कॉन्टूर लाइन जो बनाई वो सारे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी जो सी लेवल से 200 मीटर्स हाइट पे हैं। तो कॉन्टूर लाइंस एक ऐसी लाइन होती हैं जो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई चलती हैं, जो सारे पॉइंट्स को कवर करती हुई चलती हैं जो सेम हाइट पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो
ये आपकी ब्राउन कलर से कॉन्टूर लाइंस बनी हुई हैं। तो जो ये 300 वाली कॉन्टूर लाइन है, ये सारी उन जगहों को ज्वाइन कर रही है जो 300 मीटर हाइट पे हैं। फिर यहाँ पे 200 वाली कॉन्टूर लाइन ये सारे उन रीजन्स को ज्वाइन कर रही है जो आपके 200 मीटर हाइट पे हैं। सो इस तरह आपकी कुछ कॉन्टूर लाइंस बनती हैं, राइट। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इनके बारे में एक चीज जान लो कि ये हमेशा ब्राउन कलर की लाइंस होती हैं और ये मैप पे आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो मैप की जो हाइट होगी जगह जगह की, वो आपकी मेनली कॉन्टूर लाइंस की हेल्प से बताई जाती है। और कॉन्टूर लाइंस की एक और खास बात होती है कि इसको देख के हम वहाँ के लैंडफॉर्म्स के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह के लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हैं, पहाड़ प्रेजेंट हैं, या फिर वो सपाट जमीन है या कैसी भी जमीन है, वो हम कॉन्टूर लाइंस को देख के बता सकते हैं। कैसे बताते हैं ये सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपके दो पहाड़ इस तरह अगल बगल इस तरह बने हुए हैं और इनकी हाइट्स मैंने यहाँ पे कुछ मार्क कर दिए। जैसे मान लो ये 10 हाइट पे है, ये लाइन आपके सारे 20 मीटर वाले पॉइंट्स को कवर कर रही है, फिर इसके बाद 30 मीटर्स वाली हाइट, फिर इसके बाद 40 मीटर्स वाली हाइट। अब 3D में तो ये ऐसा देखने को लग रहा है, अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो पहाड़ आपको इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसको कागज़ पे बनाएंगे तो हम यही लाइंस इस तरह कागज पे 2D में बना देते हैं और 2D में भी यही सेम चीज इस तरह लिख देते हैं। तो इस चीज को देख के हम क्या आइडिया लगाएंगे कि ये चीज इस पहाड़ को डिपिक्ट कर रही है ऑन अ 2D मैप, मतलब एक कागज के नक्शे पे ये जो लाइंस हम बना रहे हैं ये क्या प्रेडिक्ट कर रही है, ये बता रही है कि उस जगह पे एक पहाड़ प्रेजेंट है। पहाड़ की देखो एक पीक है तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है ये वाला, यानी कि एक पहाड़ की चोटी यहाँ पे प्रेजेंट है। और पहाड़ कैसे पहचानते हैं, हमेशा देखना कि बाहर कम हाइट होगी और जैसे जैसे आप पीक की तरफ जाओगे वैसे वैसे कॉन्टूर लाइंस की हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है। ये तरीका होता है पहाड़ को पहचानने का। अगर ये चीज़ उल्टी है तो वहाँ एक वैली होगी, बाहर अगर ऊंची ज़मीन है और सेंटर में आते आते नीचे आप जा रहे हो, मतलब अगर 40 यहाँ होता, 10 यहाँ होता तो ये एक वैली को बता रहा होता, यहाँ पे ये एक पहाड़ को बता रहा है। उसके बाद देख लो एक और छोटी पीक है, तो छोटी पीक के लिए अगेन यहाँ पे एक सर्किल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक और पीक प्रेजेंट है। तो इस तरह हम कुछ कॉन्टूर लाइंस की हेल्प से बताते हैं कि किसी जगह पे कोई लैंडफॉर्म प्रेजेंट है या फिर कोई कौन सा फिजिकल फीचर प्रेजेंट है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमने पहाड़ को कॉन्टूर लाइंस की हेल्प से बताया। अब यहाँ पे कॉन्टूर इंटरवल की चलो बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है। सो कॉन्टूर इंटरवल बेसिकली जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू कॉन्टूर लाइंस, यानी कि अगर इस कॉन्टूर लाइन और इस कॉन्टूर लाइन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको कितना वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, ये 10 मीटर की हाइट पे है, ये 20 मीटर्स की हाइट पे है, तो यहाँ का जो कॉन्टूर इंटरवल है वो है आपका 10 मीटर्स, ठीक। 10 मीटर का डिस्टेंस है वर्टिकली, तो वर्टिकली दो कॉन्टूर लाइंस के बीच, जैसे मान लो एक कॉन्टूर लाइन ये 20 मीटर वाली, ये 10 मीटर वाली, तो इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसी वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल। सो कॉन्टूर इंटरवल का सिंपल डेफिनेशन क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर लाइन्स, एक के बाद एक कॉन्टूर लाइन्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल। एंड यहाँ पे तो ये 10 मीटर्स है, बट जनरली जो आपके टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, जो इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप्स आपको पढ़ने हैं, उसमें जो कॉन्टूर इंटरवल होता है दैट इज 20 मीटर्स, ये हमेशा 20 मीटर्स का लिया जाता है। सो कॉन्टूर इंटरवल जब भी सवाल आएगा तो आपको ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा दैट कॉन्टूर इंटरवल्स ऑन योर मैप, मतलब जो आपके इंडिया के मैप्स हैं उसमें ये जनरली 20 मीटर्स ही लिया जाता है, तो ये हमेशा वहाँ पे 20 मीटर्स होगा, राइट। ये याद रखना आप लोग। सो इसके बाद अभी एक और एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे हम इस माउंटेन को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर लाइंस। तो यहाँ पे ये हमारा सपोज जमीन पे एक माउंटेन प्रेजेंट है जिसका एक साइड पर ढलान कम है और एक साइड ढलान आपकी काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखो एकदम से स्लोप बढ़ रही है और यहाँ पे धीमे धीमे स्लोप ऐसे गिर रही है। तो इसको अगर हम कॉन्टूर लाइंस की हेल्प से शो करना चाहेंगे तो कैसे शो करेंगे देखना। हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को ऐसे मार्क कर लेंगे जो सेम हाइट पे हैं। जैसे ये 0 मीटर वाली हाइट जमीन हो गई, फिर इसके बाद 10 मीटर वाली हाइट को हमने सब मार्क कर लिया, 20 मीटर्स वाली हाइट को मार्क कर लिया, 30, 40, 50, 50 तक लगभग पीक के पास हम पहुंच गए और यहाँ पे आपका कहीं टॉप हो गया। अब इसको अगर हम नक्शे पे बनाएंगे 2D फॉर्म में कागज पे बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे देखना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट्स वाला एक सर्किल बना लेंगे जो बताएगा कि यहाँ पे 0 लेवल वाला कौन सा एरिया है। तो 0 लेवल आपका यहाँ पे है, ये जो MSL लिखा है, मतलब यहीं से हम रेफरेंस लेके हाइट्स बता रहे हैं। इसके बाद जो आपका ये 10 मीटर्स वाला है, फिर हमने यहाँ लिखा 10 और 10 वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया जहां जहां पहाड़ पे 10 मीटर्स हाइट होगा। फिर इसके बाद 20 ड्रॉ किया, फिर उसके बाद इसको सर्किल को ड्रॉ कर दिया, 30 वाला सर्किल, फिर 40 मीटर्स वाला सर्किल, 50 मीटर्स वाला सर्किल, और यहाँ सेंटर में लिखा है स्पॉट हाइट 58, पॉइंट बना है और 58 लिखा है। इसका मतलब ये कि जो इस पीक की हाइट है वो 58 मीटर्स है, यही ये कॉन्टूर लाइंस बता रही हैं। अब इन कॉन्टूर लाइंस को देख के आप एक और चीज़ भी बता सकते हो
इस साइड हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये कम ढलान है, यहाँ पे यह चढ़ाई जो है वो कम चढ़ाई है, मतलब धीरे धीरे चढ़ाई हो रही है, कम चढ़ाई नहीं बट धीरे धीरे चढ़ाई यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टूर लाइंस क्या हैं, इनके बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो जब कॉन्टूर लाइंस के बीच ज़्यादा गैप होता है, देयर इज़ मोर गैप, तो इसका मतलब बस ये होता है कि यहाँ पे जेंटल स्लोप प्रेजेंट है। जेंटल स्लोप का मतलब ऐसी स्लोप जो धीरे धीरे बढ़ रही है, जेंटल स्लोप। एंड जब कॉन्टूर लाइंस आपकी बहुत पास पास बनी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा एकदम से तीखी चढ़ाई है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि कॉन्टूर लाइंस के बीच का जो ये इंटरवल है देखो बहुत ही कम हो गया है। तो जब भी कॉन्टूर लाइंस के बीच लेस गैप होता है, कॉन्टूर लाइंस जब क्लोज होती हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप प्रेजेंट है। सो कॉन्टूर लाइंस पास पास बनी होंगी, घनी घनी बनी होंगी, दैट मीन्स वहाँ पे स्टीप स्लोप है। एंड अगर कॉन्टूर लाइंस थोड़ा दूर दूर बनी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक जेंटल स्लोप प्रेजेंट है। जेंटल मतलब बहुत धीरे धीरे आपकी चढ़ाई ऊपर जा रही है, राइट? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है, तो आप कॉन्टूर लाइंस का गैप देख के बता सकते हो। गैप अगर कम होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे स्टीप स्लोप है ऐसा कुछ, और अगर गैप ये ज़्यादा होगा लाइंस के बीच, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे स्लोप आपकी बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, राइट? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अभी हम कुछ फीचर्स को यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे कॉन्टूर लाइंस की हेल्प से हम कैसे इन फीचर्स को ड्रॉ करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कुछ कॉन्टूर लाइंस के शेप्स दिए हुए हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने वाले फिजिकल लैंडफॉर्म्स जो ज़मीन पे होंगे ये बने हुए हैं। तो हमको मैच करना है कि कौन सा वाला कॉन्टूर लाइन किस तरह के फीचर को बता रहा होगा। आप चाहो तो इसको अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं बताता हूँ इसको। देखो फर्स्ट नंबर वाला क्या है, फर्स्ट नंबर वाला कॉन्टूर जो है वो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे दो पीक्स प्रेजेंट हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन जो राइट साइड वाला पीक है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होगा और जो लेफ्ट वाला पीक है वो काफ़ी नीचा होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो घनी घनी यहाँ पे पी लाइंस बनी हुई हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची पीक हमको लग रही है और इस साइड काफ़ी नीची पीक होगी। तो कौन सा ऐसा आपको यहाँ दिख रहा है पहाड़ जहाँ पे दो पीक्स हैं, एक पीक ऊंची है और एक पीक नीची है जिसमें कम लाइंस हैं? तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दैट ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी वाले को। तो फर्स्ट का जो कनेक्शन बनेगा वो बी के साथ बनेगा, तो वन को बी से हमने कनेक्ट किया, ठीक है? देख लो मिलता जुलता लग रहा है, इस साइड आपकी ये वाली पीक है और इस साइड आपकी ये वाली पीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर वाली कॉन्टूर लाइंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको बस सेंटर पे एक ही पीक दिखाई दे रही है। तो कौन सी ऐसी ड्राइंग है जिसमें एक ही पीक है और यहाँ पे दोनों ही तरफ आपके सेम डिस्टेंस पे ही कॉन्टूर लाइन है, मतलब दोनों तरफ का जो स्लोप है पहाड़ का वो बराबर होना है? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसमें सिंगल पीक है और बराबर आपका स्लोप है? ई वाला। तो यहाँ पे टू को हम कनेक्ट करेंगे ई से, टू ई, देख लो एक पीक और दोनों तरफ बराबर बराबर स्लोप, ठीक है? सो अभी हम थर्ड वाले को देखते हैं। अब थर्ड वाले को देख के हम ये कह सकते हैं कि या तो ये ए वाला हो सकता है या तो ये डी वाला हो सकता है, बिकॉज इन दोनों में ही दो दो पीक्स हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके जो सेंटर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ज़्यादा चौड़े हैं, मतलब इसमें ज़्यादा एरिया ऐसा होगा पीक का जो एक हाइट पे होगा। दैट मीन्स जिन पहाड़ की पीक थोड़ा ज़्यादा चौड़ी है, मतलब पीक नहीं है वहाँ पे, पहाड़ थोड़ा ज़्यादा में फैला हुआ है उसका पीक टॉप एरिया, उस वाले पहाड़ को हमें चूज करना है। सो दोनों में से देख लो कौन से वाले पहाड़ का एरिया ज़्यादा ऊपर फैला हुआ है, इस वाले का। इस वाले में ऊपर का रीजन अगर देखो थोड़ा सपाट है, तो यहाँ पे देख लो ये ऊपर का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा रीजन में फ्लैट होगा, यहाँ पीक उस तरह का नहीं आपको मिलेगा। और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पीक है। और एक और चीज़ से आप पहचान सकते हो दैट इस जगह पे अगर देखो तो काफ़ी स्टीप स्लोप यहाँ पे आ रहा है, उसी तरह इस तरफ भी स्टीप स्लोप आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरफ की कॉन्टूर लाइंस के बीच जो गैप है, यहाँ पे जो गैप प्रेजेंट है देख लो काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला है ये डी वाले का मैप है, ना कि ए वाले का, ठीक है? सो यहाँ पे थर्ड वाले को हम ज्वाइन कर देंगे डी के साथ। सो थर्ड का हो जाएगा डी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले को देख के साफ पता लग रहा है दैट ये क्या बता रहा है, इस तरफ स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, और इस तरफ जेंटल स्लोप, बिकॉज दूर दूर है लाइंस, इस तरफ जेंटल स्लोप और सिंगल एक पीक है, यानी कि ये। तो ये आपका सी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे सी से। तो फोर हो जाएगा हमारा सी, फोर सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ में इस साइड आपका जेंटल स्लोप है और फिर एक पीक है, तो और यहाँ पे पीक भी नहीं है, सेंटर में काफ़ी ज़्यादा फ्लैट एरिया ऐसे है।
तो यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करेंगे F के साथ में, तो 5 का कनेक्शन हो जाएगा F के साथ, ये 5 F वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखते हैं लास्ट 6, तो 6 जो है इसमें दो पीक्स प्रेजेंट हैं और सेंटर में काफ़ी ज़्यादा कम एरिया में इसकी पीक्स हैं और दोनों तरफ लगभग बराबर स्लोप है। यहाँ पे देख लो जितना डिस्टेंस कॉन्टूर के बीच में यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस इस साइड भी है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाले को, यानी कि 6 आपका ज्वाइन होगा ए के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 6 ए। सो आई होप ये सारे लैंडफॉर्म्स कैसे हमने जोड़े ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको कॉन्टूर लाइन्स को देख के लैंडफॉर्म को समझना, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी अभी। चलो सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हाइट्स के बारे में कि कॉन्टूर के अलावा हम मैप पे किस किस चीज़ की हेल्प से हाइट्स को बताते हैं, या एक जगह की हाइट अगर हमें बतानी होगी तो कौन कौन से तरीके होते हैं हाइट्स को मैप पे लिखने के। तो तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके आपके कोर्स में हैं। सो पहला होता है ट्रायंगुलेटेड हाइट। ट्रायंगुलेटेड हाइट का मतलब ये कि वहाँ पे उस जगह की हाइट को ट्रायंगुलेशन मेथड से नापा जाता है और ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है हाइट नापने का। और ये मैप पे आपका किस तरह होता है, ये मैप पे इस तरह एक ट्रायंगल बना होगा और उसके आगे एक नंबर लिखा होगा, जो आपका नंबर होता है, नंबर का मतलब ये होता है कि ये ट्रायंगुलेटेड हाइट है 520 मीटर्स की, मींस 520 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से हाइट नापी जाती है और ये मीटर्स में होती है। और ट्रायंगुलेटेड हाइट की खासियत ये होती है दैट ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है दैन स्पॉट हाइट एंड अदर हाइट्स, राइट। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यही वाली होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज स्पॉट हाइट। सो स्पॉट हाइट की खासियत क्या होगी, ये आपको इस तरह एक स्पॉट बना होगा, डॉट बना होगा और उसके आगे एक गिनती लिखी होगी। तो इसका मतलब ये होता है दैट यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्पॉट हाइट 428 है, तो इसका मतलब ये जिस जगह डॉट बना है उस जगह की हाइट सी लेवल से 428 मीटर्स अबव सी लेवल है। तो 428 मीटर्स अबव सी लेवल होता है इसका मतलब। अगर यहाँ पे नंबर चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपकी हाइट भी बदलेगी। सो यहाँ पे ये क्या है, स्पॉट हाइट रिप्रेजेंट्स ऑन द मैप बाय अ ब्लैक डॉट इन फ्रंट ऑफ द नंबर लाइक .275। जैसे यहाँ पे .275 लिखा है तो पॉइंट जहाँ पे भी बना होगा उस जगह का हाइट कितना होगा, 275 मीटर्स, विच इंडिकेट्स द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट अबव सी लेवल। इसके बाद एक और तरह की हाइट होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव हाइट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइट होती है बिकॉज इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो रिलेटिव हाइट क्या होती है, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 10 आर, या 20 आर भी हो सकता है, जितना भी हो, उसके बगल में बस आर लिखा होगा। सो इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हाइट हम सी लेवल से नहीं नापते हैं, नाम से ही पता लग रहा है रिलेटिव हाइट। जैसे मान लो दो जगह हैं, एक ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर आपका मान लो कोई टैंक बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर टैंक बना है तो टैंक की दीवारें जितना ऊंची होंगी, अगर टैंक के अंदर लिख दिया 10 आर, तो इसका मतलब ये होगा कि टैंक की जो वॉल्स हैं उनकी हाइट कितनी है, या एम्बैंकमेंट जो है उसके वॉल्स की या बाउंड्रीज की हाइट कितनी है, 10 मीटर्स। सो ये कुछ तरीका होता है रिलेटिव हाइट बताने का। रिलेटिव हाइट क्या होगी, रिलेटिव हाइट और डेप्थ भी होती है कभी कभी, इसके बारे में भी बात करेंगे। रिलेटिव डेप्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, पहली चीज स्मॉल आर लगा होगा अलॉन्ग विद अ नंबर लाइक 22 आर। इट इंडिकेट्स द रिलेटिव हाइट और डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द सराउंडिंग सर्फेस, ठीक है। तो ये सी लेवल से नहीं नापी जाती है, ये अगल बगल की जमीन से कितनी हाइट है किसी चीज की, या कितनी डेप्थ है किसी जगह की, उसके लिए हम रिलेटिव हाइट या डेप्थ का यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ रिलेटिव हाइट के। जैसे मान लो एक आपका सिंबल इस तरह नदी के बगल में लिखा हुआ है 7 आर, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव हाइट ऑफ रिवर बैंक इज 7 मीटर्स। क्योंकि देखो नदी के किनारे 7 आर अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि 7 मीटर्स गहरी आपकी नदी है, ठीक है। इसके बाद मान लो इस तरह सैंड ड्यून्स आपके बने हुए हैं और वहां पे लिखा है 11 आर, तो इसका मतलब भी क्या होगा, दैट रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून्स इज 11 मीटर। सैंड ड्यून्स मतलब एक तरह से रेत के जो पहाड़ होते हैं, रेगिस्तान में बनते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। बिकॉज राजस्थान का भी मैप आपके कोर्स में है तो कभी कभी सैंड ड्यून्स भी आपको बने हुए मिल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मान लो इस तरह आपका एक टैंक बना हुआ है जिसमें वॉल भी है, एम्बैंकमेंट भी है, और यहाँ पे लिखा है 14 आर, इसका मतलब क्या है कि टैंक के जो एम्बैंकमेंट हैं, जो वहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं, उनकी हाइट कितनी है, वो है 14 मीटर्स। रिलेटिव हाइट ऑफ टैंक एम्बैंकमेंट इज 14 मीटर, इसका मतलब ये होगा। अगर मान लो कहीं पे इस तरह एक लाइंड पेरिनियल वेल है और उसके बगल में 22 आर लिखा है, अब इसका मतलब ये तो होगा नहीं कुआं आपका 22 मीटर ऊंचा है, ऐसे तो नहीं कहोगे। तो यहाँ पे आपके इस 22 आर का मतलब क्या होगा, दैट रिलेटिव डेप्थ ऑफ वेल इज 22 मीटर्स, इस कुएं की जो गहराई होगी वो होगी 22 मीटर, ये इसका मतलब होगा। सो आई होप ये चीज समझ गए होगे अभी। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है।
सो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि कलर्स और सिंबल्स की, कि मैप में कौन कौन से टाइप के कलर्स यूज किए जाते हैं और कौन कौन से सिंबल्स का यूज किया जाता है अलग अलग चीजों को बताने के लिए। तो कलर्स की अगर बात करें तो ब्लू कलर से आपकी वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर ग्रीन कलर से आपकी वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड लो लैंड्स को, जमीन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। येलो कलर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेजर्ट को एंड एग्रीकल्चरल लैंड को, और दोनों ही चीजों के लिए सेम कलर है तो कंफ्यूज मत होना। मोस्ट आपका जो येलो कलर होगा वो एग्रीकल्चरल लैंड को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर हिल्स के लिए आप यूज करते हो ब्राउन कलर का, हिल्स, प्लैटूज, कॉन्टूर लाइन्स, मेन तो कॉन्टूर लाइन्स को बनाने के लिए भी काफी ज्यादा यूज करते हैं ब्राउन कलर का। फिर ब्लैक कलर, ये बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैक कलर का यूज किया जाता है रेलवेज को बनाने के लिए, रेलवे लाइंस आपकी ब्लैक कलर से होंगी। और ड्राई स्ट्रीम्स, ड्राई स्ट्रीम्स यानी कि जो सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं, जो जब बारिश नहीं हो रही होती जब सूख जाती हैं, तो ऐसी स्ट्रीम्स को बनाने के लिए हम ब्लैक कलर का ही यूज करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ब्लैक कलर की जो लाइनें होती हैं वो एक्चुअली वो स्ट्रीम्स बता रही होती हैं कि नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स, इसमें साल भर पानी नहीं रहता है। एक और कलर होता है आपका जो काफी आपको मैप पे देखने को मिलेगा, विच इज रेड। सो रेड कलर से हम बनाते हैं ऑल द परमानेंट सेटलमेंट्स, विलेजेस, सिटीज एंड रोड्स, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप समझ में आ गए होंगे कलर्स एंड कलर्स का यूज। मैप पे आपको ये सारे कलर्स देखने को मिल सकते हैं। चल बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की जो कि मैप में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैप में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आप उनका साइड में की लिखा होता है, लेबलिंग दी होती है लेबल्स, तो आप वहां से देख सकते हो। बट कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं जो मैप पे। एक तो आपके होते हैं मेटल रोड्स, इस तरह के आपकी एक रेड कलर की लाइन होगी और दोनों तरफ उसमें बाउंड्रीज होंगी। सो मेटल रोड तो ऐसी होगी, अगर अनमेटल रोड होगी तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, ठीक है। और कार ट्रैक, कार ट्रैक के लिए हम ऐसे बस रेड कलर की लाइन बना देते हैं सीधे सीधे। पैक ट्रैक और कच्ची सड़क तो वो इस तरह की होगी, और फुटपाथ, फुटपाथ इस तरह के बने होंगे। जनरली इस पे आपको ज्यादा ये चीज नहीं पूछी जाती है, बट हाँ पैक ट्रैक, अनमेटल रोड, मेटल रोड, इन चीजों को ज्यादा पूछा जाता है मैप पे। फिर इसके बाद और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे नदियां आपकी कुछ इस तरह बनी होंगी जो पेरिनियल होंगी, ब्लू कलर से बनाई जाती हैं, और जो ब्लैक कलर की होती हैं वो आपकी नॉन पेरिनियल रिवर्स होती हैं या स्ट्रीम्स होती हैं। फिर इसके बाद जो नदियां साल भर बहेंगी उनको ऐसे भी बनाया जाएगा, और बैंक के बगल में कभी आपको 3R वगैरह देखने को मिल सकता है, मतलब रिलेटिव डेप्थ उसकी दी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेलवे लाइंस देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह, ये आपको कभी कभी मैप पे देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा सैंड ड्यून्स यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डॉटेड आपको बने हुए मिल जाएंगे मैप पे, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे रेत के पहाड़ प्रेजेंट है, यानी कि सैंड ड्यून्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बाकी इसके अलावा और भी काफी फीचर्स होते हैं, जैसे कि वेल्स हो गए और ये लाइंड वेल्स हो गए। अगर इस तरह है तो यानी कि ये लाइंड वेल है, और इस तरह अगर वेल बना हुआ है जिसके बीच में आपका कोई फिल्डिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अनलाइंड वेल है। तो वेल्स भी लाइंड होते हैं, अनलाइंड होते हैं, पक्के वेल और कच्चे वेल। फिर इसके अलावा टैंक्स भी होते हैं, पेरिनियल एंड ड्राई। अगर इस तरह का टैंक है तो ये पेरिनियल है, और अगर डॉटेड इसके अंदर फील्ड है तो इसका मतलब ब्लैक कलर के डॉट्स फील्ड है, इसका मतलब ये ड्राई वेल है, राइट। आई होप समझ में आ गए होंगे ये सिंबल्स। इसके अलावा और भी होते हैं, आप इसको बुक से देख सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके मैप में भी एग्जाम में साइड में आपके लेबल्स लिखे होते हैं कौन सी चीज का क्या मतलब है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि है स्केल ऑफ अ मैप। सो स्केल ऑफ अ मैप क्या होता है? स्केल का मतलब होता है बेसिकली किस स्केल पे आपका मैप बनाया गया है। रियल वर्ल्ड में जो जमीन आपकी एक्चुअली प्रेजेंट है उसको जब आपने स्केल किया मैप के लिए, तो क्या रेशियो में स्केल किया, वही होता है आपका स्केल। तो यहाँ पे स्केल तीन टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक पहला तरीका आपका होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, मतलब आपने क्या किया, सीधे सीधे बस स्टेटमेंट लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 2 centimeters to 1 kilometer, जो कि आपके मैप का एक्चुअल स्केल भी होगा। सो अगर आपने सिर्फ लिख दिया वहां पे दैट 2 centimeters बराबर 2 centimeter इज 1 kilometer ऑन रियल ग्राउंड, तो ये हो गया स्टेटमेंट। आपने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दिया कि हाँ मैप पर इतना डिस्टेंस एक्चुअल वर्ड के इतने डिस्टेंस के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ स्केल। इस तरह आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट स्केल होता है, ऑफ स्केल भी नहीं, स्टेटमेंट स्केल इसको बोलते हैं। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज ये यूनिवर्सल स्केल भी होता है। मतलब इसमें हम कोई यूनिट नहीं बताते हैं, यहाँ पे बस हम एक रेशियो बता देते हैं कि ये मैप पे इतना डिस्टेंस है तो वो रियल वर्ल्ड में कितने टाइम्स होगा। यहाँ पे हम रेशियो बताते हैं एक्चुअल ग्राउंड और अपने मैप का जो डिस्टेंस है उसके बीच का रेशियो। तो यहाँ पे इट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन
करेस्पॉन्डिंग ग्राउंड। सो जो हमारे मैप का रेशियो होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, वो होता है 1:50,000 का, यहाँ पे गिवन है। इतना ही हमारे मैप पे होगा, मतलब हमारे मैप का एक डिस्टेंस रियल वर्ल्ड के या रियल ग्राउंड के 50,000 के बराबर होता है, यानी एक सेंटीमीटर रियल वर्ल्ड के 50,000 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा। यानी कि अगर लिया जाए, एक सेंटीमीटर आप मैप पे नापोगे तो उसका मतलब रियल ग्राउंड पे कितना होगा, 50,000 सेंटीमीटर्स। यूनिट सेम रहेगा बिकॉज ये रेशियो है। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, इसमें से कैप कर दो तो ये हो जाएगा 500 मीटर्स, और इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 0.5 किलोमीटर। तो एक सेंटीमीटर का मतलब रियल ग्राउंड पे कितना है, 0.5 किलोमीटर। तो ये भी आप निकाल सकते हो यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई होप समझ गए होगे। इसके बाद एक और लास्ट मेथड होता है लीनियर और ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, मैप के नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह आपका बना हुआ होता है स्केल, मतलब ड्रॉन होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि इतने सेंटीमीटर मतलब इतने किलोमीटर। तो आप क्या कर सकते हो, स्केल से एक्चुअली नाप सकते हो उस डिस्टेंस को। सो ये आपका ग्राफिकली दिया होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। ये ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आता है, ज़्यादा यूज़ में आपका RF आता है या फिर स्टेटमेंट ऑफ स्केल, इसका हम यूज़ करते हैं। बहुत कम केसेस में ही हम ग्राफिकल स्केल का यूज़ करते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे स्केल से हम नाप रहे हैं कि कितना डिस्टेंस हमने मेजर किया है, और उससे हम रियल ग्राउंड का डिस्टेंस नापते हैं। तो ये ग्राफिकली बना होता है, इसलिए इसका नाम ग्राफिकल स्केल होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंसेस की, कि मैप पे डिस्टेंसेस को कैसे नापा जाता है। तो डिस्टेंसेस नापने के लिए सबसे पहले तो आपको स्केल का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप पढ़ चुके हो अभी, और इसके बाद डिस्टेंस कैसे नापते हैं इसकी बात कर लेते हैं। अब डिस्टेंस देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डिस्टेंस पहला, और एक होता है इनडायरेक्ट डिस्टेंस। इनडायरेक्ट डिस्टेंस भी पहले आपके कोर्स में था, बट 2022-2023 सेशन में आपका ये हटा दिया गया है कोर्स से, और आई गेस ये अब आगे भी नहीं आएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आप थ्रेड का यूज़ करते हो और रोड रोड डिस्टेंस आप नापते हो, ठीक है। और डायरेक्ट डिस्टेंस में आपको क्या करना होता है, आपको अगर दो पॉइंट दिए हैं ए और एक पॉइंट दिया है बी, आपको बस स्केल रखना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापना है, जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको रियल वर्ल्ड वाले डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, बस वही हो जाता है डायरेक्ट डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन सिरोरी टू गुलाबगंज, ये दो आपके सेटलमेंट्स हैं। तो पहले तो हम मैप पे देखते हैं कि सेटलमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे। तो मैप पे अगर देखें तो सिरोरी हमको दिख रहा है ये, और गुलाबगंज हमको दिख रहा है ये। अब बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि डिस्टेंस नापे कहाँ से, जहाँ लिखा है वहाँ पे स्केल रख के नापा जाए, या फिर जो सेटलमेंट है वहाँ के एंड से नापा जाए, कि किधर के एंड से नापा जाए, या सड़क सड़क नापा जाए। तो क्या किया जाता है समझते हैं। हम जिस भी सेटलमेंट के बीच का डिस्टेंस नापना होता है, हम उस सेटलमेंट के अराउंड एक छोटा सा ऐसे सर्किल बना देते हैं, और फिर वहाँ पे सर्किल का सेंटर बना देंगे, ठीक है। फिर वही काम इसके साथ करेंगे, गुलाबगंज के साथ, इसके भी अराउंड हम ऐसे एक सर्कल बना देंगे, और इसके सेंटर में यहाँ पे एक ऐसे गोला बना देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, और स्केल रख के हम यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस नाप लेंगे। आपको बस स्केल रखना है, यहाँ से जीरो की स्टार्टिंग करनी है, और देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है। जितना भी डिस्टेंस आपका कवर हो रहा होगा आप उसको नोट डाउन कर लोगे। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्केल से मेजर किया और ये हमारा निकल के आया 4.8 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे स्टेप नंबर वन, 4.8 सेंटीमीटर हमारा मैप का डिस्टेंस आ गया। सो बस अब हमें इस मैप के डिस्टेंस को रियल ग्राउंड वाले डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टेप नंबर टू क्या होगा, इसको हमें डिवाइड करना होगा बाय टू। क्यों, बिकॉज हमारे मैप का जो स्केल होता है वो होता है 2 cm/1 km का। तो यहाँ पे देख लो 2 cm/1 km का जो रेशियो है, जो हमारा स्केल है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 2 से डिवाइड ही होगा ये नंबर। तो यहाँ पे 4.8 जैसे ही 2 से आप डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर्स। तो यहाँ पे 4.8 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और कैंसिल हो जाएगा 2 से, आ जाएगा 2.4। तो रियल ग्राउंड पे ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 2.4 किलोमीटर्स का। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। दो काम है बस आपको, एक तो स्केल से मेजरमेंट लेना है, फिर उसको स्केल की हेल्प से कन्वर्ट कर देना है रियल ग्राउंड वाले डिस्टेंस में। कैसे करते हैं, आप 2 से बस डिवाइड कर देते हो उस पर्टिकुलर रीडिंग को। सो आई होप समझ गए होगे कि ये कैसे किया हमने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हम मैप पे एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, और अक्सर पूछ ली जाती है आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालने के लिए। तो मैप पे एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना। किसी भी जगह का एरिया अगर आप मैप पे निकाल रहे हो तो वहाँ पे क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ करना होता है। तो आपको बस इतना पता लगाना है कि जो मैप पे आपके बॉक्सेस हैं
उनका एरिया कितना होता है। देख लो, आपका जो एक बॉक्स होता है, जो ग्रिड बने होते हैं, उसमें एक अगर बॉक्स की हम बात करें तो अगर आप स्केल से नाप के देखोगे तो इसकी लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी होती है 2 सेंटीमीटर। तो 2x2 का ये स्क्वायर होता है, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का। और 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, अभी हमने लास्ट स्केल में देखा था, 2 सेंटीमीटर ऑन मैप का मतलब है 1 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। तो 2 सेंटीमीटर अगर ऐसे है तो इसका मतलब 1 किलोमीटर ऐसे हो गया, 2 सेंटीमीटर अगर ऐसे है तो 1 किलोमीटर ऐसे हो गया। तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो यानी कि इस पूरे बॉक्स का जो एरिया है, इस पूरे बॉक्स का जो एरिया हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, इट कम्स टू बी 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक बॉक्स। यानी कि जब भी हम एरिया निकालेंगे हम क्या करेंगे, बस बॉक्सेस काउंट कर लेंगे, कितने बॉक्सेस का एरिया हमको निकालना है, जितने भी बॉक्सेस होंगे उतने किलोमीटर स्क्वायर सिंपल हमारा एरिया हो जाएगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ईस्टिंग्स 20 से 21 के बीच एंड नॉर्दिंग्स 19 से 23 के बीच। इस जगह का हमको एरिया बताना है, तो एरिया क्या होगा इस जगह का देख लेते हैं। So, यहां पे 20 से 21 ईस्टिंग्स कहां से कहां होगी, ये रहा 20, ये रहा 21, तो 20 से 21 ईस्टिंग ये रही और नॉर्दिंग्स 19 से 23, तो 19 से 23 कहां है, ये 19 रहा, तो 19 यहां पे आएगा और 23 कहां पे है, यहां पे 19 to 23, सो 19 to 23 ये हो गया और 20 to 21, तो 20 से 21 यानी कि यहां से यहां तक इतने का एरिया हमें बताना है। अब इतने का एरिया कितना होगा, यहाँ पे बस बॉक्सेस काउंट कर लो कितने बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हम पहले लिखेंगे द रीजन इंक्लोज बाय ईस्टिंग्स 20 एंड 21, नॉर्दिंग्स 19 एंड 23 कंटेन्स कितने बॉक्सेस, ये हो जाएगा आपका इधर साइड एक ही ईस्ट है तो ये हो जाएगा 1, और इधर साइड कितने हैं 1 2 3 4 into 4, तो ये हो जाएंगे 4 बॉक्सेस। तो 4 बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हमने देखा था कि एक बॉक्स का एरिया कितना होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे जब 4 बॉक्सेस हैं तो यहाँ का सिंपल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रीजन विल बी इक्वल टू सिंपल हो जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। एक बॉक्स का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 4 बॉक्सेस पूरे पूरे आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। आप सिंपल इस तरह लिख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने निकाला। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमें एरिया कुछ ऐसे बॉक्सेस का निकालना होता है जो पूरे पूरे कवर्ड नहीं होते। अगर मान लो आपसे कह दिया जाता है कि आपको एरिया कुछ ऐसा निकालना है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट अगर कभी आ जाए कि आपको पार्शियल बॉक्सेस का एरिया निकालना है, टुकड़ों में एरिया निकालना है, तब कैसे निकालते हैं ध्यान देना। एक और तरीका होता है विच इज़ कॉल्ड ग्रिड स्क्वायर मेथड। ये तरीका क्या कहता है समझना, अगर मान लो आपको कुछ ऐसा एरिया मैप पे दे दिया जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो हर सारे बॉक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं, कुछ बॉक्सेस हाफ कवर हो रहे हैं, कुछ बॉक्स 2/3 कवर हो रहे हैं, कुछ बॉक्स पूरे पूरे कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने बॉक्स, कौन कौन से बॉक्स पूरे पूरे कवर हो रहे हैं, कौन कौन से बॉक्स हाफ कवर हो रहे हैं, कौन कौन से 2/3 कवर हो रहे हैं, कौन कौन से 1/3 कवर हो रहे हैं। तो इस तरह हम हर एक बॉक्स पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सा बॉक्स कितना कितना कवर्ड है, फिर हम सबको काउंट कर लेते हैं। इस तरह नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स देख लो, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस कंप्लीट है तो उसका एरिया 4 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, कौन कौन से स्क्वायर आधे आधे भरे हुए हैं उनको देख लो। तो हाफ स्क्वायर आपका एक ये है और एक ये है, एक ये वाला है और बस। तो यहाँ पे हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स आपके हैं 2, तो यहाँ पे 1 और 2, मेरे हिसाब से ये वाला हाफ में नहीं आएगा, ये कट है। सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1/2 into 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें 2/3 वालों की, तो 2/3 वाले कितने हैं, 1, उसके बाद फिर 2 3 4 and 5, तो 2/3 वाले बॉक्सेस 5 हैं, तो यहाँ पे हमने 2/3 वाले 5 बॉक्सेस निकाले, तो 5 into 2/3 कितना हो जाएगा, 10/3 यानी कि 3.3, तो 5 बॉक्सेस का जो एरिया आएगा वो 3.3 किलोमीटर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ 1/3 बॉक्सेस, तो 1/3 ये भी मेरे हिसाब से 1/3 ही है, तो 1/3 बॉक्सेस 1 है 2 है 3 है और 1 और होगा 4, तो 4 आपके 1/3 वाले बॉक्सेस, ये भी 1/3 ही था एक्चुअल में, तो 1/3 वाले बॉक्सेस 4 हो गए, तो 4 बॉक्सेस 1/3, तो 4 into 1/3 किलोमीटर्स कितना आ जाएगा, 4/3 यानी कि
1.3 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये इतना आ जाएगा एरिया। आप सारे एरियाज को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधे 9.6 स्क्वायर किलोमीटर। सो इस तरह में हमको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बट इस तरह वाले एरिया जनरली आते नहीं है। मैं फिर से बोल दूँ, इस तरह का एरिया आपको निकालने के लिए जनरली नहीं दिया जाता है ICSE में, बट कई बच्चे पूछते हैं तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया है। चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की, कि डायरेक्शंस कैसे निकाले जाते हैं एक मैप में। सो डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो, चार डायरेक्शंस मेनली होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर इसको आपको याद रखना है तो सिंपल याद कर सकते हो, NEWS, इस तरह, न्यूज, NEWS। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह आपको बनाना है। अगर याद रखना है तो सीक्वेंस याद कर लो, नॉर्थ, ईस्ट, NEWS, ठीक है। अब इन चार डायरेक्शंस के अलावा और भी डायरेक्शंस होते हैं, वो कैसे आते हैं देख लो। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन की, अगर कोई चीज़ ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में है और इन दोनों के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें इसी तरह, तो ये हो जाता है साउथ ईस्ट। हमेशा नॉर्थ साउथ पहले पढ़ा जाएगा और फिर उसके बाद वाली चीज़, ये हो गया साउथ ईस्ट। इधर की तरफ बात करें तो ये क्या है, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये होते हैं 8 कार्डिनल पॉइंट्स या 8 डायरेक्शंस। अब आपके कोर्स में क्या है, डायरेक्शंस फाइंड करना, उसमें क्या किया जाता है, आपको दो कोई पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। मान लो एक पॉइंट ए दे दिया और एक पॉइंट आपको बी दे दिया, इस तरह। और क्वेश्चन आपसे ऐसे करा जाएगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फिर से सुनना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी। तो ए का डायरेक्शन फ्रॉम बी क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सोच के देखो, अगर आप बी पे खड़े हो, जहां भी फ्रॉम कहेगा वहां पे खड़े हो के आप देखो इस जगह पे, और बी से ए को देखो, तो आपको किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा ए को देखने के लिए, देख लो, आप बी पे खड़े हो और ए किधर को है, ए नीचे इस तरफ को है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन आपको मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है साउथ वेस्ट। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, ए का डायरेक्शन फ्रॉम बी, बी से अगर खड़े होके देखोगे ए को, तो वो किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, साउथ वेस्ट। तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। जिस जगह से डायरेक्शन निकालने के लिए कहा गया है, खुद को अपने आप को वहां खड़ा करके देखो और डायरेक्शन वहां से देख लो किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, तो बस वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, सिंपल रहता है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि गिव द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हमको बताना है विलेज पंथवाड़ा से, जो कि है 8199 में, फ्रॉम कछवाड़ा। तो यहाँ पे पंथवाड़ा कहाँ पे है, पंथवाड़ा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हमें इसका डायरेक्शन बताना है फ्रॉम कछवाड़ा। कछवाड़ा कहाँ पे है, ये। तो जहाँ भी फ्रॉम कहा गया है, फ्रॉम के आगे वाली चीज़, वहाँ पे खड़े होके देखो, इस जगह खड़े हो और इस जगह से उस जगह को देखो, तो कुछ ऐसा डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे हमने खड़े होके देखा, तो इस डायरेक्शन में हमको पंथवाड़ा दिखाई दिया, फ्रॉम वाला जहाँ है वहां पे खड़े होके देखना होता है। तो यहां से यहाँ का डायरेक्शन कौन सा आएगा, देख लो, ऊपर था नॉर्थ, इधर था ईस्ट, तो किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो वहां पे डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, सिंपल। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। आई होप लॉजिक समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होगे आप लोग कैसे हम निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद सेकंड हमको निकालना है विलेज गणेशपुरा का डायरेक्शन फ्रॉम अटल। तो पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि गणेशपुरा और अटल है कहाँ पे, इनका ग्रिड रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हो। तो नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा गणेशपुरा एंड अटल, गणेशपुरा अटल। तो हमें गणेशपुरा का डिस्टेंस बताना था फ्रॉम अटल, ये रहा अटल। तो फ्रॉम अटल, अटल से खड़े होके देखोगे तो गणेशपुरा किधर दिखाई देगा, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और आपको सर किधर करना पड़ेगा, सर आपको ले जाना पड़ेगा इस तरफ, तभी आपको गणेशपुरा दिखाई देगा। सो अटल पे खड़े होके हमें देखना पड़ेगा किस तरफ, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन था, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो अटलपुरा से गणेशपुरा देखने के लिए हमें वेस्ट में देखना होगा, दैट मीन्स इधर का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा वेस्ट। सो इसी तरह बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर विल बी वेस्ट।
तो बहुत ही सिंपल होता है, जहां से आपको खड़े होके देखना है, फ्रॉम जहां से पूछा गया वहां पे आप खड़े होके इमेजिन कर लो और वहां से उस जगह को देखने की कोशिश करो मन में कि जिस जगह का डायरेक्शन आपको निकालना है, और बस सोच लो कि कौन से वाले कार्डिनल पॉइंट की तरफ आप देख रहे हो, इन्हीं सब में से कोई ना कोई डायरेक्शन आपका होगा और वो आप आसानी से बता सकते हो। आई होप डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। ड्रेनेज का मतलब ये है कि वहाँ पे जिस जगह का भी आप मैप देख रहे हो उस जगह पे किस तरह की स्ट्रीम्स हैं, किस तरह से अरेंज्ड हैं, तो यही सब होता है ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न मेनली आपके चार तरह के हैं। पहला आपका है डेंड्रिटिक, सेकेंड इज स्ट्रेलाइज्ड, थर्ड इज रेडियल एंड फोर्थ इज डिसअपियरिंग। सो यहाँ पे इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला जो टाइप है वो है आपका डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक मतलब ब्रांच लाइक आपकी स्ट्रीम्स हों, कुछ इस तरह की स्ट्रीम्स अगर चारों तरफ फैली हैं ब्रांचेस के फॉर्म में, तो दैट मीन्स उस जगह का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है, वो डेंड्रिटिक है। डेंड्रिटिक कुछ इस तरह का होता है, देख लें आप, डेंड्रिटिक आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको बीच में एक मेन ब्रांच होगी, उससे ट्रिब्यूटरीज इस तरह बटी हुई होंगी, सब स्ट्रीम्स ऐसे बटी हुई होंगी। फिर बात कर लेते हैं ट्रेलाइज्ड की। सो ट्रेलाइज्ड में क्या होता है, ट्रेलाइज्ड में ऐसे ही ब्रांचेज ही होंगी, लेकिन एक चीज़ जो इसको डिफरेंट बनाती है डेंड्रिटिक से, ट्रेलाइज्ड के केस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे देख लो, सारी जितनी आपको ब्रांचेस दिख रही हैं वो सब 90 डिग्री पे हैं। ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे कट हो रही है, ये भी 90 डिग्री पे कट हो रही है। सो अगर आपको सारे ब्रांचेस 90 डिग्री पे ऐसे जॉइंट मिल रही हैं, सो दैट मीन्स उस जगह का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वो है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। फिर इसके बाद सो नेक्स्ट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब, रेडियल मतलब रेडियस, वर्ड से ये डिराइव्ड है। तो रेडियल का मतलब क्या, कि कहीं एक सेंटर पीक से या सेंटर पॉइंट से आपके चारों तरफ चारों दिशाओं में स्ट्रीम्स बह रही हैं, और ये कहाँ होता है, जनरली पहाड़ी एरियाज में होता है। मान लो इस तरह का कोई एक पहाड़ है और वहाँ पे जब बारिश होगी या कुछ भी वहाँ पे ग्लेशियर प्रेजेंट है, तो वहाँ से स्ट्रीम्स बह के नीचे की तरफ आती हैं। नीचे से ऊपर तो जाएंगे नहीं, उल्टे डायरेक्शन में, तो ऊपर के डायरेक्शन की तरफ से ऐसे नीचे चारों तरफ स्ट्रीम्स अगर आ रही हैं तो मैप पे इस तरह कुछ बनी होंगी, चारों तरफ इस तरह रेडियल डायरेक्शन में बनी होंगी। तो इस ड्रेनेज पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियल। आपको कॉन्टूर लाइंस की हेल्प से जज करना होगा कि कहाँ पे पहाड़ प्रेजेंट है, और वहाँ पे जनरली जो स्ट्रीम्स होगी वो चारों तरफ इस तरह फैली होती हैं, तो उस जगह का जो ड्रेनेज पैटर्न हो जाता है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो जाता है। फिर इसके बाद एक और टाइप के हम ड्रेनेज पैटर्न की बात कर लेते हैं, और बेसिकली ये पैटर्न नहीं है, ये आपका एक नेचर हो जाएगा स्ट्रीम का, विच इज़ डिसअपियरिंग स्ट्रीम। डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स में क्या होता है, कभी कभी कोई स्ट्रीम जा रही होगी और अचानक से वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड हो जाएगी या ज़मीन के नीचे बहना स्टार्ट कर देगी। सो दैट मीन्स वो स्ट्रीम कैसी है, वो डिसअपियरिंग है। और डिसअपियरिंग स्ट्रीम कैसे मैप पे शो होगी, इसमें हम डॉटेड लाइन इस तरह बना देते हैं, तो ये हो जाती है डिसअपियरिंग स्ट्रीम। तो यही चार तरह की स्ट्रीम्स आपसे पूछी जाएंगी कि ड्रेनेज पैटर्न किस जगह पे कैसा है, तो आपको देखना होगा कि मैप पे कौन कौन से तरह से वहाँ पे स्ट्रीम्स बनी हुई हैं, और आपको ड्रेनेज पैटर्न बता देना होगा कौन सा वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आपसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर पूछ लिया जाता है कि रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये कैसे बताना है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिवर्स होती हैं, रिवर में जनरली कभी कभी इस तरह एरो बना हुआ होता है। यहाँ पे ध्यान दो, तो इस जगह पे एक एरो बना हुआ है जो कि पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, तो इससे तो देख के हमें पता लग रहा है कि नदी का डायरेक्शन कैसा है, ये हो गया इधर से इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड कौन सा है डायरेक्शन, ये हो गया साउथ साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये इस तरफ को फ्लो कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें डायरेक्शन ये एरो नहीं दिखाई देता है या नहीं बना होता है, तो उस केस में रिवर का फ्लो आप कैसे बताओगे। रिवर्स बेसिकली फ्लो करती है हाई ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ, तो आपको बस ये पता लगाना है कि जो आपका मैप है उसमें किस तरफ कैसी हाइट प्रेजेंट है। जिधर से भी नदी आ रही है वहाँ कोई कॉन्टूर लाइन या फिर स्पॉट हाइट देख लो, और जिस तरफ को नदी जा रही है वहाँ पे कोई कॉन्टूर लाइन या फिर स्पॉट हाइट देख लो, और वहाँ पे देख लो किस तरफ ज़मीन ऊंची है किस तरफ ज़मीन नीची है, तो हमेशा ये ऊंची ज़मीन से नीची ज़मीन की तरफ ही नदी फ्लो करेगी। आई होप समझ में आ गया है इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर का। और जब एक बार आप डायरेक्शन बता लोगे, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि बताओ इस नदी का लेफ्ट बैंक कौन सा है और राइट बैंक कौन सा है, तो जिस तरफ भी नदी फ्लो कर रही होती है उसके लेफ्ट और राइट में देख लो, इस जगह खड़े हो जाओ और नदी के फ्लो के डायरेक्शन में अपना सर ऐसे पॉइंट कर लो। अब देखो आप अपना जब राइट हैंड रखोगे तो इस तरफ रखोगे तो ये राइट बैंक हो जाएगा,
दिस इज राइट बैंक, और इस तरफ की बात करें ये हो जाएगा आपका लेफ्ट बैंक। सिंपल है, जिस तरफ भी नदी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस तरफ आपको सर पॉइंट करना है और लेफ्ट एंड राइट हैंड इस तरह करके सोचना है कि किस तरफ लेफ्ट किनारा होगा किस तरफ राइट किनारा होगा, वही आपका लेफ्ट एंड राइट बैंक हो जाता है। आई होप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, कि लोग जहाँ रहते हैं, लोग जो हट्स बना के रहते हैं या सेटलमेंट बना के रहते हैं वो किस टाइप का है वहाँ पे, मतलब उस रीजन में जो आप मैप के अंडर स्टडी कर रहे हो। तो ये तीन टाइप्स का होता है टाइप ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेकेंड इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एंड थर्ड इज लीनियर सेटलमेंट। बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर आपके जो घर हैं वो ऐसे न्यूक्लिएटेड है, मतलब इस तरह सटे हुए बने हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बने हुए हैं, दैट मीन्स आपका सेटलमेंट कैसा है, न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब एक जगह घनी आबादी है, तो न्यूक्लिएटेड इस तरह का कुछ आपका ऐसे पास पास घर बने होंगे, दैट मीन्स सेटलमेंट इज न्यूक्लिएटेड। फिर सेकेंड इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है दूर दूर फैला हुआ। तो अगर उस जगह पे ज़्यादा आबादी नहीं होगी, ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे, तब वहाँ का सेटलमेंट कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पे घर सारे दूर दूर बने होंगे और इसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। फिर एक और चीज़ हो सकती है, मान लो वहाँ पे से एक सड़क होके गुजर रही है और ज़्यादातर घर आपके सड़क के ही किनारे किनारे बने हुए हैं, तो इस केस में हम कहते हैं, जैसे मान लो ऐसा कुछ है कि सड़क है और सड़क के किनारे किनारे घर ऐसे बने हुए हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं दैट इट इज़ अ लीनियर सेटलमेंट। ये जनरली ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे आपका सारा जितना भी रिहायशी इलाका है वो सड़क के किनारे ही बसा हुआ है, तो ऐसे एरियाज में लीनियर सेटलमेंट भी पाया जाता है। तो ये तीन टाइप्स के सेटलमेंट होते हैं, ये भी पहचानने के लिए आते हैं तो आपको पता होने चाहिए। मेन दो होते हैं न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स्ड, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, लीनियर वाला काफ़ी कम आएगा बट ये भी आ सकता है, तो इसको भी आप देख लेना। आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ से देख के आप आसानी समझ सकते हो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, पास पास घर बने हैं, डिस्पर्स्ड में दूर दूर घर होंगे और लीनियर में एक सड़क के किनारे किनारे यहाँ पे सेटलमेंट्स बने हुए होते हैं। तो ये तीन टाइप्स के सेटलमेंट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट इसके बाद है नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। सो ये क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, जो फीचर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनको बोला जाता है नेचुरल फीचर्स, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सैंड फीचर्स, ट्रीज, ब्रोकन ग्राउंड्स। अब कई टीचर बताते हैं कि ट्री एक नेचुरल फीचर नहीं है, तो मेरा उनसे बस यही सवाल है कि सारे पेड़ इंसान लगाते हैं? आधे से ज़्यादा पेड़ दुनिया में अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं, तो ट्रीज आर ऑल्सो अ नेचुरल फीचर। ठीक है, ट्री आर्टिफिशियल नहीं होता, इंसान नहीं बनाते हैं, कुछ पेड़ हाँ इंसान लगाते हैं बट मोस्टली जितने पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर अपने आप ही ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल पॉन्ड्स भी आपके नेचुरल फीचर हो जाएंगे, अनलाइंड वेल्स, जंगल्स, अनलाइंड वेल्स भी नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, डिप्रेशंस, आइलैंड्स और फिजिकल फीचर्स लाइक हिल्स, वाटरफॉल्स, स्पर्स, रिवर्स वैलीज, क्लिफ्स शोन बाय कॉन्टूर एंड देयर हाइट्स। तो ये जितने भी फीचर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे नेचुरल फीचर्स होते हैं, जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है वो सब नेचुरल फीचर्स में आ जाती है। फिर बात करते हैं मैनमेड फीचर्स की। तो मैनमेड फीचर्स कौन कौन से होंगे, ये होंगे सर्वे ट्री, जिन ट्री का सर्वे हो चुका है वो ट्री इंसानों ने लगाया होगा। फिर उसके बाद क्वेरीज, क्वेरीज मतलब माइंस, यहाँ क्वेरीज लिखा है, क्वेरीज होता है QUARRY, क्वेरी। फिर उसके बाद परमानेंट हट्स, हट्स भी इंसान बनाते हैं, कॉजवेज, माइंस, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। फिर उसके बाद पैक ट्रैक्स, कार ट्रैक्स, आर्टिफिशियल लेक्स विद एम्बैंकमेंट्स, बाउंड्रीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिसेस। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें होंगी जो इंसान बनाएंगे ये सब आ जाती हैं मैनमेड फीचर्स के अंदर। आई होप ये चीज़ भी समझ गए होंगे, बिकॉज कभी कभी चीज़ें पूछी जाती हैं कि नेम एनी टू नेचुरल फीचर्स इनसाइड अ पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर, या फिर कोई दो मैनमेड फीचर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका जो मैप है उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन सा है। तो कैसे पहचानते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है, आपके बहुत सारे सेटलमेंट होंगे मैप में, उसमें से सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड होगा रोड से उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट, या फिर उस सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों उसको बोला जाएगा मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जहाँ होंगी जो आपका सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होगा बाय रोड्स, जैसे मान लो किसी के सेटलमेंट में आपकी मेटल रोड प्रेजेंट है और बाकी सब टाउन से वो कनेक्टेड है, तो उसको हम मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट बोलेंगे। प्लस उसमें सारे फीचर्स भी होने चाहिए लाइक पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, सबसे ज़्यादा फीचर्स अगर उसमें है तो भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें पहचान के देखते हैं इस मैप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन सा होगा। यहाँ पे देखो कई सेटलमेंट्स हैं,
तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आपको लग रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो ये वाला सेटलमेंट होगा, विच इज कौन सा है सेटलमेंट है, इट इज सिरोरी। सिरोरी नाम है सेटलमेंट का। एंड इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्यों बोल सकते हैं? कई बच्चे कहेंगे कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वाले सेटलमेंट में सिर्फ अनमेटेड रोड्स आ रही हैं, और इस वाले में यहाँ पे देख लो डबल अंडरलाइन वाली रोड्स हैं, यहाँ पे मेटेड रोड्स प्रेजेंट हैं। तो दैट मीन्स ये ज़्यादा डेवलप्ड टाउन है, और इसमें देखो पोस्ट ऑफिस भी है, डिस्पेंसरी भी है, कॉजवे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, टेम्पल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा ये। तो इन दोनों में से आप देख सकते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से मेटेड रोड्स होके गुजर रही हैं, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड टाउन है। तो ये हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट सिरोरी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पे और चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल कैसे बताते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर मैप में जो लोग रहते होंगे वो किस तरह का जॉब करते होंगे, तो ये भी पता लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप मैप को थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, एनालाइज करो मैप को, और अगर वहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया मिल रहा है, यानी कि ग्रीन कलर के पैचेस बने हुए हैं, लिखा हुआ है फॉरेस्ट या जंगल, तो मतलब वहाँ के लोग फॉरेस्ट्री करते हैं, या लकड़ियों का वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, लम्बरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको येलो कलर का लैंड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अच्छा, येलो कलर लैंड के साथ साथ आपको वहाँ पे सिंचाई की भी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि वेल्स होने चाहिए, कैनाल्स होनी चाहिए, या फिर रिवर होनी चाहिए, तब जाके वो एग्रीकल्चर वहाँ पे इंसान कर पाएंगे। फिर अगर मान लो वहाँ पे मेडोज या फिर स्क्रब प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, कैटल ग्रेजिंग करा सकते हैं या शीप रेयरिंग करा सकते हैं। फिर अगर वहाँ पे माइंस प्रेजेंट हैं आपके मैप में, आपको वहीं पे लिखा दिख रहा है माइंस या फिर क्वेरी, तो वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं या क्वेरिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपके में कहीं पर लिखा हुआ है एनुअल फेयर, तो एनुअल फेयर अगर रिटर्न है, दैट मीन्स वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं। एक और देख लो, कभी कभी मैप पे किल लिखा होता है, किल का मतलब जो भट्टी होती है, जो ईंटे की भट्टी होगी, तो उस पर किल लिखा होता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है आपके मैप में, दैट मीन्स वहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक किल, ये भी ऑक्यूपेशन वो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो आप पहचान सकते हो मैप में चीज़ों को देख के। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है मैप पे, तो आप आंसर में लिख सकते हो कि वहाँ के लोग ये पर्टिकुलर काम करते होंगे। आई होप समझ गए होगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे मान लो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो एक जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मेंशन एनी टू फीचर्स सीन इन द मैप एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट्स दैट द रीजन हैज सीजनल रेनफॉल। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजनल रेनफॉल होती है उस रीजन में, इसके कुछ आप वहाँ पे प्रूफ्स बताओ मैप पे देख के। तो इसके प्रूफ क्या होते हैं सीजनल रेनफॉल के, ये देख लो। अगर आपकी सीजनल स्ट्रीम्स प्रेजेंट हैं, ब्रोकन ग्राउंड्स प्रेजेंट है मैप पे, ओपन स्क्रब प्रेजेंट है, सीजनल टैंक प्रेजेंट है, कार ट्रैक मोटरेबल इन ड्राई सीजन, अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ है मोटरेबल इन ड्राई सीजन, या फिर नैरो पेरिनियल चैनल्स इन द ड्राई बेड ऑफ द रिवर। सो अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके मैप पे, तो आप बता सकते हो कि आपके उस रीजन में सीजनल रेनफॉल ही होती है। तो इसमें से मेन देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है, ओपन स्क्रब एंड सीजनल स्ट्रीम्स आर टू फीचर्स इन द मैप दैट इंडिकेट्स द रीजन हैज सीजनल रेनफॉल, इस तरह आपको आंसर लिखना है। और रिवर स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स टैंक्स आर इन ड्राई नेचर, अगर आपके ड्राई टैंक्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तब भी वहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है, ये भी आपका एक रीजन हो गया। अगर आपका वहाँ बैरन लैंड या फिर ओपन स्क्रब प्रेजेंट है, तब भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है। तो इस तरह आप जैसा फीचर आपके मैप में प्रेजेंट है, उस हिसाब से अपना आंसर वहाँ पे बता दोगे। तो सीजनल रेनफॉल काफ़ी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप देख लो कैसे बताना है। फिर इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि आपके मैप में चीफ फॉर्म ऑफ इरिगेशन क्या है, कैसे वहाँ के लोग इरिगेशन करते होंगे अपने फार्म पे, तो वो कैसे बताते हैं। मेन फॉर्म ऑफ इरिगेशन आपको देखना है, तो वहाँ पे आप देख लो कि वहाँ पे वेल्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको देखना है फॉर पेरिनियल वेल्स, फिर उसके बाद रिवर्स के बारे में, लेक्स देखने हैं, टैंक्स देखने हैं। तो जो भी चीज़ आपको अपने मैप पे दिखाई देगी, आप बता दोगे कि मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वहाँ पे ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आंसर लिखा हुआ है इस तरह, द चीफ फॉर्म ऑफ इरिगेशन इज पेरिनियल वेल इरिगेशन, मतलब जैसा भी आपको वहाँ पे चीज़ मिलेगा, आप वो चीज़ बता दोगे कि आपके इरिगेशन के लिए वहाँ के लोग इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है,
दैट आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है, गिव एविडेंस टू प्रूफ पुअर रेनफॉल या स्कैंटी रेनफॉल इन रीजन्स। अगेन कैसे बताना है, देखो आपको क्या करना है, आपको मैप पे कुछ चीज़ें बस सर्च करनी है। अगर आपको सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं तो सैंड ड्यून्स कहाँ होंगे, जहाँ ज़्यादा बारिश होती होगी वहाँ तो रेत के पहाड़ होंगे। तो अगर सैंड ड्यून्स प्रेजेंट है तो कह सकते हो उस रीजन में कम रेनफॉल होती है, या फिर प्रेजेंट ऑफ अनडिफाइंड एंड डिसअपीयरिंग स्ट्रीम्स, डिसअपीयरिंग स्ट्रीम्स है मतलब वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। ओपन स्क्रब प्रेजेंट है वहाँ पे, तब भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। अगर वहाँ पे ब्रोकन ग्राउंड्स प्रेजेंट हैं तब भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। ब्रोकन ग्राउंड्स मतलब सूखी ज़मीन, एकदम क्रैक वाली ज़मीन जो हो जाती है सूखे मौसम में, तो ये कुछ भी प्रेजेंट होगा तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपकी कम रेनफॉल होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, एंड आई होप समझ में आ गए होंगे आप लोग को ये भी। सो इतनी ही चीज़ें थी हमारे टोपोग्राफिकल मैप्स में, आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और इसके अलावा अगर आपको और टोपोग्राफिकल मैप्स में चीज़ें देखनी है तो उसके लिए आप मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको डाउनलोड करके भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो आई होप जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे समझ में आया होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एम रखते हैं 1000 लाइक का, आई होप आप लोग कर दोगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक में भी डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।